गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं सुबह जग गई थी, तैयार भी हो गई, ग्रीन टी बना के अपना चल दी लाइब्रेरी के रास्ते गलियों में। और ये आप देख रहे हो हमारा गांव है, यहाँ मिट्टी की अभी भी भट्टियाँ चलती हैं। आप ये मत सोचना कि गांव है तो सब कुछ ख़त्म हो गया होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। और सुबह सुबह मैंने देखा हमारे गांव में इतनी भीड़, क्योंकि सेंटर पड़ा हुआ है 10th और 12th का। मैं थी नहीं तो मेरे को पता नहीं, तो पर आज देखा तो इतनी सारी भीड़। फिर मैंने सोचा मैं महादेव के दर्शन करके जाऊँगी यहाँ पर, क्योंकि मेरे को सपने में भी महादेव दिखाई दे रहे थे 2 दिन से। तो मैंने महादेव के किए अच्छे से दर्शन। हमारे गांव में बहुत बड़ा मंदिर है महादेव जी का। और फिर अपने रास्ते चल दिए। ये हमारा प्यारा सा गांव, ब्यूटीफुल सा सनराइज हो रहा था यहाँ पर, अच्छा सा भी लग रहा था बहुत ही। हमारे गांव का ऑटो स्टैंड है, यहाँ से ऑटो मिलते हैं और यहाँ सभी लोग यहाँ खड़े होकर अपना ऑटो लेते हैं। और मैं भी अपना ऑटो पकड़ के चलती हूँ अपनी लाइब्रेरी के रास्ते। और रास्ते में आज अकेला जाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी दोस्त है नहीं है, वो शादी में गई हुई है। कम मगत कमी नहीं, मेरे को बुला के दीदी के यहाँ तो खुद भाग गई। और यहाँ मैं अकेले अकेले आंटी को देखती हूँ, आंटी मंकियों को भगा रही थी, मेरे को हंसी आ रही थी। और यहाँ ऊपर मंकी जो वायर होते हैं ना, उन पर भी लटक लटक के। और फिर मैं लाइब्रेरी में अंदर गेट खोला, कोई भी नहीं था, मैंने ये गेट खोला। सर अंदर, ये सर का रूम है, वो वहाँ पे सो रहे थे, क्योंकि बच्चे रात को पढ़ते हैं तो लाइब्रेरी भी ओपन रहती है। बट सुबह कोई भी नहीं आया, मैं और मेरे दोस्त आते थे, आपको पहले भी दिखाया था। तो आज मैं अकेली थी तो मेरा डर सा भी लग रहा था थोड़ा सा, और बहुत दिन बाद भी आई थी। और मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि हाँ, लाइब्रेरी में सच में ही कोई नहीं है। आप झूठ समझते हो, आप ये बोलते हो कि मैं दिखाते नहीं हूँ वीडियो में, बट आते होंगे लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी आंखों से देख लेना, और आकर भी देख लेना आप सुबह 7 बजे, कोई भी नहीं रहता इस लाइब्रेरी में। और मेरी सांसें थोड़ी बढ़ने लग गई कि यार कोई भी नहीं, कैसे मन लगेगा पढ़ाई में, वो भी इतने दिन बाद, 15 दिन बाद आई हूँ लाइब्रेरी। और ये सरस्वती माता का दर्शन करते ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू करी, और अपना बैग वैग अपनी सीट पे रखा और सीट ग्रहण की। और अपने शस्त्र अस्त्र जो भी मानो, जो योद्धा होते हैं ना, वो शिक्षक और स्टूडेंट दोनों बन के एक सफलता की तैयारी कराते हैं, और हम भी करते हैं मन लगा के। पे सीट पे मैं बैठ गई। और बताओ आपकी स्टडी कैसी चल रही है? मैं बहुत दिन बाद आई हूँ, कोई भी नहीं है, आपने देख लिया होगा पहले। और फिर मैंने अपने बैग को ओपन किया, यहाँ से सारी नोटबुक वगैरह, अपना खाना, सबसे पहले खाने की खुशबू देख के मेरा मन और भी ललचा गया कि अभी खा लूँ, बट नहीं, क्योंकि मैं पैक करके नहीं लाती। यहाँ से मैंने पोहा पैक करा लिया था, क्योंकि कम खा लो, ज़्यादा खाएंगे तो पढ़ाई भी नहीं होगी। और तो चार्जर वगैरह निकाल के अपनी पेन, लीड, लीड तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइब्रेरी का, नहीं तो आवाज़ में तो पढ़ भी नहीं सकते। और ये टैबलेट आप देख रहे होगे, तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है, इसलिए मेरे को रखनी पड़ती है। इसी के साथ मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू की, और सबसे पहले मैंने अपना UPGK का सेशन स्टार्ट किया, क्योंकि UPGK मेरे को आपके बहुत अच्छे से करके जानी है। आप सबने देखा होगा UPPLS एग्ज़ाम या अदर टीचर एग्ज़ाम के लिए मांगते हैं, पर मैं अपनी UPGK को अभी से स्ट्रॉन्ग कर लूँगी एग्ज़ाम के लिए। बट अभी फ़िलहाल मैं DSSSB की तैयारी कर रही हूँ, स्टैनो की। और कौन कौन स्टैनो की DSSSB की तैयारी कर रहा है, मैंने भी फॉर्म डाला है, और आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि फॉर्म बस 1 लाख भरे गए हैं। बहुत सारी पोस्टों के लिए भी, मतलब सारी पोस्टों के लिए 1 लाख फॉर्म भरे गए हैं। और सोचो स्टैनो में तो वेकेंसी भी 421 के करीब है, तो नंबर आने के चांसेस हैं। तो आप प्लीज़ अपनी तैयारी में जुट जाइए, और मैं भी अपनी तैयारी में यहाँ से जुट गई हूँ। और इम्पोर्टेंट वाट, RFEF रेलवे में कॉन्स्टेबल और SI की भर्ती आ चुकी हैं। जल्दी जल्दी अपनी तैयारी को शुरू कर दो, क्योंकि टाइम थोड़ा कम मिलेगा। और बैचेस वगैरह तो अभी स्टार्ट नहीं हुए, बट अपनी सेल्फ स्टडी करने लग जाओ। और सबसे ज़्यादा उसमें साइंस का पोर्शन पूछा जाता है। पहले एग्जाम में मेरा NTPC में एक टेस्ट क्वालिफाई हो गया था, दूसरा नहीं हो पाया था। फिर देन UPGK के आपको नोट चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगी। ये बस 140 पेजेस है, जो आपको पूरी UPGK समाहित कर देंगे। फिर मैंने अपना हिंदी का सेशन स्टार्ट किया। हिंदी में मेरे को बस रिवाइज ही करना है, क्योंकि मैंने सारा सिलेबस पहले पढ़ चुका है, पढ़ लिया है, और फिर प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। और मैं DSSB का प्रैक्टिस सेट भी लेके आई हूँ वहाँ से, बुक सेलर से। और ये मेरा एक फ़ोटो नज़र आ गया, इसे देख के मेरे को हंसी आई, बहुत ही आनंद की आपूर्ति हो रही थी। और ये मैंने सबसे पहले छंद का टॉपिक स्टार्ट किया, क्योंकि इस टॉपिक की वजह से मैं एग्ज़ाम में फंस गई थी, क्योंकि मेरे को अच्छे से नहीं आता था ये टॉपिक, और मेरे को समझ समझ के ये पढ़ना भी था किस किस की हिंदी और नोट्स
चाहिए, स्ट्रॉन्ग करने हैं अपने को बहुत ही अच्छे तरीके से। ये नवीन शर्मा सर के नोट्स हैं जो भी उन्होंने पढ़ाया था, उनके नोट्स मैंने निकलवाए कुछ और कुछ अपने हाथों से लिखे थे। मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी चैप्टर वाइज, जिस किसी को चाहिए प्लीज़ कमेंट कर देना और अपनी अच्छी तरीके से अपनी सफलता की ओर बढ़ते चले जाना। एक सफलता ही एक ऐसा माध्यम है अपने माता पिता और अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में पहचान बनाना हर जगह से। इसकी वजह से पहचान हमारे लिए बनती है। अगर सफल नहीं होंगे तो कोई हमें पूछेगा भी नहीं। बिना असफल व्यक्ति को आज भी नहीं पूछ रहा, कल भी नहीं पूछेगा कोई और आने वाले समय में भी, क्योंकि सफल व्यक्ति ही इस जीवन का सबसे बड़ा सम्मानित सदस्य माना जाता है मेरी नज़र में। तो फिर मैंने पॉलिटी का सेशन स्टार्ट कर दिया क्योंकि इसमें मेरे को रिवाइज करना था अच्छे तरीके से, क्योंकि नोट्स मेरे पास हैंगे। जितना रिवीजन करेंगे और जितना प्रैक्टिस करेंगे उससे ही हमारा मेंटल की माइंड की और याद करने की क्षमता को पता चलेगा। और इसके भी नोट्स आपको चाहिए पॉलिटी के, ये तो मेरे हाथ से लिखे हुए हैं पॉइंट टू पॉइंट, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो भी कमेंट कर देना, मैं ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी एक एक चैप्टर के वाइज और एक रणनीति के साथ। अपनी स्टडी को आगे बढ़ते चले जाइए, बहुत ही लाभदायक मिलेगा इन नोट्सों से और मेरे को बहुत हेल्प मिल रही है। और SSC एग्ज़ाम जिनका भी है कल, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि मेरी फ्रेंड का है इस वजह से भी। और फिर मैंने यहाँ पे अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया स्टेनो वाला, बट सभी पोस्टेज में सिलेबस थोड़ा सेम ही है। बट मेरे को डर लग रहा है इसमें थोड़ा सा, क्योंकि सिलेबस इसमें बहुत है यार, 6 तो सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, कंप्यूटर और GS, ये 6 सब्जेक्ट हैं। बस ओनली 25 नंबर का कंप्यूटर है, बाकी सब 35 35 35 और नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। तो कुछ मत पूछो हाल बेहाल हो रहा है इस टाइम तो हमारा भी, और आपका कैसा हो रहा है वो भी कमेंट कर देना। और गाइस सॉरी ब्लॉग नहीं आए मेरे 3 दिन, बट मैंने 2-3 दिन बाद एक एक ब्लॉग अपलोड कर दिया था, बट क्योंकि मैं अपनी दीदी के यहाँ गई थी इस वजह से भी। फिर उसके बाद थोड़ा मन शांत करने के लिए मैं चली गई थोड़ा खाना पीना खाने के लिए, क्योंकि मैंने पोहा पैक कराए थे आपको बताया था, और आप सभी भी खा लो। तो मैंने अच्छे से अपने पोहा खाए, मेरे को बहुत ही टेस्टी लगते हैं और हेल्दी भी हैं, और सुबह सुबह अच्छा फील भी होता है कि, और हल्का खा लो फिर नींद नहीं आएगी। अगर हम पेट भर के कुछ खा लेंगे ऑयली सामान तो नींद हमें बहुत ज़्यादा आएगी, इससे टेंशन से भी होने लग जाती है, नींद बहुत आने लग जाती है। फिर उसके बाद मैं पानी पीने चली गई बाहर का माहौल देखने के लिए, क्योंकि बाहर का माहौल देखते ही थोड़ा पढ़ने में एनर्जी से आ जाती है। फिर आके देखा तो बहुत सारे स्टूडेंट आ गए थे, और देखो ये कितने ध्यान से पढ़ रही हैं दीदी, और मैं भी अपनी टेबल पे, मैंने सोचा कुछ पढ़ लूँगी। फिर उसके बाद मेरा एक ही सब्जेक्ट रह गया था क्या, इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश मेन हो गई है, मुझे इंग्लिश डेली लेनी पड़ेगी। और मैंने ग्रो एकेडमी से इंग्लिश का बैच परचेस किया है LSSB का सारा, बट उसमें से मैं इंग्लिश ही पढ़ रही हूँ। देखो आप नोट्स वगैरह मैंने बनाए और पहली क्लास से ही आज मैंने लिया और फिर रिवीजन भी कर लिया साथ में। इससे अच्छी चीज़ क्या होगी, आप सबको पता है रिवीजन साथ में हो जाए। और ये सर वास्तव में बहुत अच्छा समझा रहे हैं मेरे को, मैंने जयदीप सर से लिया था, मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, बट यहाँ मेरे को ज़्यादा समझ में आ रहा है, मेरे को अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी, घर जाने के लिए टाइम हो गया था, 4 बज चुके थे और भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, क्योंकि पोहे से थोड़ा पेट नहीं भर जाता। और प्लीज़ लाइक कर देना मेरे चैनल को और शेयर सब्सक्राइब जो आपसे बन सके वो जरूर कर देना गाइस, और सपोर्ट करो प्लीज़। और मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय गाइस।